नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन स्पोकन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जानेंगे थिंग का अपोजिट। तो थिंग का अर्थ होता है समान, तो इसका अपोजिट एक तरह से कुछ नहीं होगा, बट अपोजिट अगर लिखना हो तो आप नथिंग लिख सकते हैं। थिंग का अपोजिट नथिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।